शाहनवाज जी वो कह रहे हैं कि खेल अब शुरू हुआ है, और रोहन जी को भी दिखा दीजिएगा शाहनवाज जी के साथ। हाँ, वो कह रहे हैं खेल तो अब शुरू हुआ है, तो तेजस्वी यादव ही खत्म करेंगे। देखिए पंडित मृत्युंजय तिवारी जी ने लगा जैसे गीता सार सुना रहे हैं। आपने पहले कहा क्यों चिंता करते हो, तो पहली लाइन तो आपने कहा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो पंडित जी ने तो सच में गीता सार सुनाया है। हाँ, लेकिन चिंता की लकीरें जो दिख रही हैं वो ये सही है कि जब दो मजबूत दल इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यर्थ चिंता नहीं होती है, वो सही में चिंता हो जाती है। और तिवारी जी को चिंता तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार तिवारी जी की पार्टी 0 पे आउट हो गई थी 40 लोकसभा में। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जनाधार वाली पार्टी कही जाती है, जिसके पास माई समीकरण कहा जाता था, उसको 0 सीट आई थी। तो क्या तिवारी जी वो 0 वाला रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या वो टूटेगा? क्योंकि हम लोग तो अब मिशन 40 पे काम कर रहे हैं। पिछली बार आपके सहयोगी को 1 सीट किशनगंज में मिल गई थी, इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और ये सही है कि आपने एक बात कही तिवारी जी कि सारी नौकरी तेजस्वी जी के वजह से मिली, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, तो उनको कुछ क्रेडिट देंगे या सारा क्रेडिट एक विभाग का आप ही ले लेंगे? आखिर जो काम हम लोगों ने किया था उसका क्रेडिट अगर हमने कुछ उद्योग में काम किया, नारियल आपने फोड़ा, तो क्रेडिट तो आप ले लेंगे, लेकिन शुरुआत तो बीजेपी के लोगों ने जो कागज बनाया था नौकरी का, उस पर आपने 17 महीने में सब काम कर लिया। कैसे आप लोग जीत का दावा भर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है सर। 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 67-68%। अंजना जी, हालांकि आप एक बार जीते हैं। अंजना जी, बीजेपी एक बार किशनगंज जीत चुकी है 99 में, और इस बार तो पिछली बार भी कम वोटों से हम लोग रह गए थे। इस बार मिशन 40 है। गुजरात ने सारी सीटें दी, दिल्ली ने सारी सीटें दी, राजस्थान ने सारी सीटें दी। हम बिहारियों को लगता था काश हम भी मोदी जी को 40 की 40 देते, तो इस बार पिछली बार नहीं दे पाए थे, इस बार 40 की 40 सीट की माला उनके गले में डालेंगे। इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। और ठीक है भाई मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी आरजेडी को तो चुनाव हारने के बाद भी 17 महीने की लिए काम मिल गया था, क्योंकि आप लोग तो जीते नहीं थे। रोहन जी, इसके बाद आपके पास भी आ रही हूँ। नीतीश कुमार, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही है शपथ लेने के बाद, मुझे लगता है मीडिया से बात करेंगे, और दिलचस्प है। उनके साथ अशोक चौधरी और इधर ललन सिंह, संजय झा, तमाम उनके जो जेडीयू के साथी हैं वो सब दिख रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं नीतीश कुमार। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए, और फिर अगर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया, और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है, वो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी तेजस्वी हो जाएगा, तेजस्वी कह रहे हैं। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी दो चीज हम बता देना चाहते हैं, और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे रहे हैं। ये दोनों, मैंने, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद दो मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहे। आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी, इस सबके बाद में बताएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे।
आपको इसी में हम लगे रहे भाई और सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक फुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, कार्य हो ही गया ना, तो वही लोग जाते चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल बात करके अब जा रहे हैं। उन्होंने कहा पहले भी एनडीए में थे, बीच में कहीं चले गए थे, बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार करेगा। जब अक्सर वो किसी के खिलाफ बोलते हैं तो नाम लेने से परहेज करते हैं, ये स्टाइल है उनका। उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, वो तो क्या बोले हैं सबको पता ही है, नाम नहीं ले रहे हैं आज मृत्युंजय तिवारी जी की पार्टी का या महागठबंधन का, कह रहे हैं कि बीच में कहीं चले गए थे। लेकिन रोहन जी, शाहनवाज जी और रोहन जी को भी दिखाइए। देखिए ये एक बड़ी लड़ाई थी ना गुप्ता जी, जो आप लोगों ने छेड़ी थी कि नरेंद्र मोदी को हैट्रिक नहीं बनाने देना है। नीतीश कुमार ने उसमें सबसे पहले पहल की थी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और आज अगर वो कहते हैं कि मेरा मोह भंग हो गया, जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ हुआ वो ठीक नहीं, आज सुबह जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहा था वो गलत था, इसलिए वो छोड़े हैं। तो इसकी तो जवाबदेही आप लोगों की सबकी है, क्योंकि कांग्रेस पर ही सारे, केसी त्यागी भी सामने आए, सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है जेडीयू। रंजना जी, जब अपनी लालच अपने उद्देश्य से बड़ी हो जाए तो किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना पड़ता ही है। और ये तो नीतीश जी के शब्द है ना कि मर जाना पसंद है पर उनके साथ जाना पसंद नहीं है, हमारे शब्द नहीं, ये नीतीश जी के शब्द हैं। जब नीतीश जी ने तय किया कि नहीं मुझे भाजपा के खिलाफ लड़ना है, तब कोई कितनी भी मुसीबत आए वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और यही पूरे देश के सामने आज उन्होंने दिखाया कि उनकी बात पे कितना देश या बिहार की जनता भरोसा कर सकती है। दूसरी बात अंजना जी, आज अभी शाहनवाज जी ने कहा 40 की 40 सीटें, अरे ये 40 वाली सीट तो नीतीश जी आने के पहले भाजपा के हर प्रवक्ता कहते थे कि हमको तो 40 सीटें आने वाली है। अगर आपको अपने पे इतना भरोसा था तो फिर नीतीश जी की क्या जरूरत थी। अब नीतीश जी का आने के बाद 40 का 42 आप तो कर सकते हैं, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, 40 की 42 सीटें भी कर सकते हैं। तो मुझे पहले तो ये बताइए कि जो 40 नीतीश जी के आने से पहले थी, अब 40 से ऊपर क्या जाएगा। और अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा था, अपनी गारंटीज पे इतना भरोसा था, तो नीतीश जी को लेने की क्या जरूरत थी। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज अंजना जी, देखिये देश की जनता और बिहार की जनता देखती है, जो इंडिया गठबंधन बना था एक कॉज के लिए, एक उद्देश्य के लिए, मुद्दों के लिए, बेरोजगारी हो, महंगाई, जो जो बेसिक मुद्दे उसके लिए सब इकट्ठा हुए थे। और नीतीश जी ने उसमें एक अहम भूमिका बजाने का अपना एक उन्होंने प्रयास भी किया था और एक विश्वास दिया था, सब मिलकर कर रहे थे। अब उनकी लालच अगर इस उद्देश्य से बड़ी हो गई, उसमें किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ना गलत चीज है। और ये चीज अच्छी हो गई जब लड़ाई शुरू होने से पहले ही ये मालूम चल गया कि कौन साथ में कौन खिलाफ। लालच क्या, लालच समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड रोहन जी, लालच क्या मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ। एक सेकंड शाहनवाज जी, लालच क्या, वो तो पहले भी सीएम थे, फिर अभी भी सीएम है, और आप वादा खिलाफी पर, एक सेकंड सर, अपने बयान से पलटने पर आप किस मुंह से बोलेंगे। आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या क्या कहा था, अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए क्या क्या कहा था, पर साथ आए ना आप लोग इंडिया गठबंधन में, वो बच्चों की कस्में, सबका तो वही हाल है। एक थी कांग्रेस, देखिए पहली बात, जब अलायंस फॉर्म होता है, मैं हमेशा ये डिबेट में कहता हूँ कि जब मैक्रो इश्यू होता है, कई चीजें ऐसे, आज भी हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम सहमत नहीं है, कई मुद्दे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश को बचाने की बात या लोकतंत्र की रक्षा की बात है वो सबका एक कॉमन एजेंडा, उसमें हम साथ में आए और इसीलिए नीतीश जी के साथ में जुड़े। पर साथ में बैठना कि जिन लोगों को गालियां दी जा रही थी भाजपा के, तो अमित शाह जी ये कहते थे कि इनके दरवाजे परमानेंट बंद हो चुके हैं, और ये दरवाजा कौन से मटेरियल का बता। एक बार नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार, विजय कुमार सिन्हा जी का, ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे रहे हैं, ये दोनों, मैंने, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद दो मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ आज आपको इसकी घोषणा भी हम और आगे 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी, अभी इस सबके बाद में बताएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी, बिहार के हित में और पूरे इलाके
इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक गुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकार हो ही गया था कि वही लोग जाते चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल चलिए। शाहनवाज जी, रोहन जी की बातों का जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो ऐसे ही 40 जीत रहे थे, तो अब नीतीश बाबू की क्यों जरूरत पड़ गई? पहली बात तो ये है कि रोहन जी इंडिया एयरलाइंस बोल रहे हैं, पहले तो इंडी था, उसका आई भी आज निकल गया, अब तो एयरलाइंस का जो मेन बेस था वो पूरी तरह ढह गया है, अब वो एयरलाइंस है नहीं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग बयान देते हैं, तो अभी तो भगवत मान ने कहा एक थी कांग्रेस, आपके बारे में अरविंद केजरीवाल की भी राय क्या है वो आपको पता है। दूसरी बात यह है कि जो 40 सीट हम कह रहे हैं, एक सीट थी आरजेडी आपके साथ लड़ी, बड़ी पार्टी थी, जीरो सीट आई, आपको एक सीट मिल गई थी किशनगंज में, इस बार किशनगंज भी बीजेपी जीत जाएगी और कांग्रेस मुक्त बिहार हो जाएगा, यहाँ भी एक सीट आपको मिली थी बस। तीसरी बात यह है कि आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार जी आपके साथ आए वो चले गए, तो आज तो उनके बारे में अलग अलग राय रख रहे हैं, लेकिन आप ये मान लें कि अब आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ ना, आप तो अब 400-500 सीट लड़िए, आपको क्या दिक्कत है, सब सीट पर लड़िए, 542 है, कोई आपके साथ आने वाला नहीं, जब नीतीश कुमार जी छोड़ गए, ममता जी छोड़ गए, आपकी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, न्याय मिल गया आपको बंगाल के अंदर भी और न्याय मिल गया बिहार के भी अंदर, तो दो न्याय तो अभी मिल गया आपको, तो नीतीश जी क्या कह रहे हैं, 42 होगी क्या।